काल वाइटी, जितना बुरा इसका नाम है ना उससे भी बुरे इसके काम है। बुरे तो कम हो जाएगा, बाहियात बोल लो। महेश दल्ले, देखो काल वाइटी ना दो भाई हैं, दोनों के धन भाई एक से बढ़ के एक बवासीर। काल वाइटी को तुम उर्फी जावेद ऑफ यूट्यूब भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो बंदा है ना भाई इतना बाहियात और इतना रायता फैलाता है फ्री फायर में, इतना कि तुम बोलो नहीं। इसकी हर वीडियो को उठा के देख लो, ऊपर से लेके नीचे तक तुमको हर एक वीडियो 99% स्क्रिप्टेड ही देखने को मिलेगी। और स्क्रिप्टेड तो छोड़ो भाई, ये साथ में हैक लगाता है, बकायदा पैनल लगाता है और पकड़ के लोगों को चूतिया बनाता है। और ऐसे ही चूतिया बनाते बनाते पिकाचू को इसने 2.78 मिलियन पिकाचू जनता को चूतिया बना दिया है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। इन दोनों भाइयों की जिंदगी की शुरुआत ना ग्लोबल टॉप 1 रैंक पुश से हुई थी, वो भी उस सीजन में जिस सीजन में बिटू आईटी टॉप पे था। अब पता है तुम लोग ऐसे ये नॉर्मली पुश नहीं करते थे भाई, उधर भी इनकी फुल बकचोदी थी। उधर भी ये लोग हैक लगाते थे, हैकर के साथ खेलते थे और बाकायदा पुश करते थे। मतलब जिंदगी में मेरे को नहीं लगता इन दोनों भाइयों ने कोई भी एक अच्छा काम भी करा होगा। नहीं, तुम खुद देखो ना भाई, हैक के साथ शुरुआत करना, उसके बाद स्कैमिंग भी करा इन्होंने दबा के। शर्म करो। इसकी पिकाचू जनता इस वीडियो को देख रही है, तुम लोग सोच रहे हो मनी मन भाई काल वाईटी भाई तो इतने अच्छे हैं यार, फिर तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो देखो इस चूतिए की कहानी मैं तुमको बताता हूँ, कहानी तो छोड़ो पहले तुमको प्रूफ्स दिखाता हूँ। सबसे पहला प्रूफ ये देखो, सबसे मेन प्रूफ और सबसे बेसिक प्रूफ। अब देखो किसी भी बंदे का आलोक सर पे कब आता है, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुमको ये बात पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, ऐसा तब होता है जब कोई बंदा पैनल यूज करता है, तभी उस बंदे के टीममेट पे या उसके आलोक पे ऐसे सर पे एम जाता है, ऐसा ऑरा जाता है। चोरे बहन का लोड़ा है। ये था पहला प्रूफ। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ। अब ये देखने के बाद तुम लोग सोच रहे हो यार ये तो कॉमन है, इसमें तो हेड भी नहीं लग रहा है ना, एम कनेक्ट हो रहा है, फिर कैसे ये हैक हो गया। अब देखो अगर हम लोग ओम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, उसका एम जो होता है ना, उसका क्रॉस एयर जो बोलते हैं बीच में जो एम होता है, वो गायब हो जाता है जब हम ओम चलाते हैं। बट इस बंदे का गायब नहीं हो रहा है, वो कैसे, क्योंकि ये बंदा पैनल यूज कर रहा है। पैनल तो छोड़ो भाई, सस्ता वाला हैक यूज कर रहा है भाई, तेरे चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने को फिर भी इतनी चिंदी चोरी करेगा। अब देखो जब हम लोग नॉर्मल कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं, कोई सा भी हो, मेल हो फीमेल हो एडम हो ईव हो, उसमें जब हम लोग बैठते हैं क्राउच करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। बट इसका यहाँ पे तुम देखो और उस कैरेक्टर का सर देखो भाई, सर झुका हुआ है शर्मिंदगी से। ये भी एक सस्ते हैक की निशानी है। अरे बेटा काल भाई, थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा ले यार, वैसे तो तेरी हर एक वीडियो में चिंदी चोरी जैसा कंटेंट होता है, ना एडिटिंग होती है ना कुछ होता है, और ऊपर से ये चिंदी सा तेरा थंबनेल होता है, ऊपर से तेरी कल भाई इतना क्रिंज और इतनी बाहियात भाई कोई कैसे ही झेल सकता है। मेरे को बुरा भाई तेरी ऑडियंस के लिए लगता है भाई, कितने चूतिया लोग हैं और कितनी चूतिया उनके दिमाग है, जो इतने कांड देखने के बाद भी उनको ये नहीं समझ में आता कि ये बंदा चोर है। मतलब इसकी हर वीडियो तुम देखो यार, अगर गलती से वो वीडियो फुल मैप की हो गई ना तो उसके अंदर तुमको किल फीड और अलाइव दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे जो इसके वीडियो होते हैं ना वो कस्टम में बनते हैं, और कस्टम में 12-13-15 बंदे आते हैं खाली, इसलिए हाइड करके बनाता है। और ये जो बताता है स्ट्रीमर रिएक्शन ले लिया, ये कर लिया, अरे घंटा यार वो कुछ नहीं होता, ये डिस्कॉर्ड में बुलाता है बाकायदा बंदे और फिर उसके बाद बनाता है। ऊपर से ये 99 स्ट्रीक वाली बकचोदी ये लोग जो आपस में करते रहते हैं ना भाई, इनके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। ये जो बकचोदी कर रहे हैं ना बेटा, तुम पहले जाओगे, बस थोड़ा सा सबर रखो, पहले तो तुम जाओगे, गारंटेड है। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अब यहाँ पे ये वाली क्लिप देखो, इसको देखने के बाद मेरे को हंसी आ गई भाई। इस बंदे ने पहले यहाँ पे एक बंदे को नॉक करा, अब देखो तुम इसका भाई, एक के बाद एक बंदे नॉक हो गए, मतलब खुद से एम दूसरे बंदे पे चला गया और हेड भी लग गया। और ये दीदी के क्या कहने, दीदी तो ऐसे रिएक्शन दे रही है, ओ भाई मतलब क्या ही देख लिया हो यार। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। और ऐसा एक ही क्लिप नहीं है काल का, ये दूसरी वाली क्लिप भी देख लो सेम ही कस्टम का भाई। इसमें भी देखो एक के बाद दूसरा बंदा एकदम से भाई एक सेकंड के अंदर नॉक हो जा रहा है। अब इतना देखने के बाद भी अगर तुम इस बंदे को फेयर समझते हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना सब देखने के बाद भी अगर तुमको लगता है कि ये बंदा हैकर नहीं है तो भाई यकीन मानो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। मतलब एक तरीके से तुम इस बंदे को अपना अब्बा बना के बैठ गया, कांग्रेचुलेशन। और अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो कमेंट में #कालवाईटी नहीं #दलालवाईटी स्पैम कर देना।